प्यारे बच्चों, श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हमने दास्तान की तारीफ और उसकी मुख्तसर तारीख के बाद पहली दास्तान शेर पहले दरवेश की का जायजा लिया था। आज हम उर्दू नस्र की दूसरी अहम सनफ नॉवल के बारे में जानेंगे। इसकी तारीफ और मुख्तसर तारीख का जायजा लेंगे। तो यहाँ पर नॉवल के बारे में हम जायजा लेंगे। नॉवल इतालवी जुबान का लफ्ज़ है, यानी ये लफ्ज़ कहाँ का है? इतालवी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने नया के हैं। जिंदगी की अक्कासी करने वाले मसलसल किस्से या कहानी को नॉवल कहा जाता है। ये कहानी की जदीद सनफ है। जदीद मीन्स क्या होता है? जदीद का मतलब होता है नया, यानी जो नॉवल सनफ है वो एक नई सनफ है जो दास्तान के बाद मंजरे आम पर आई। यानी सबसे कदीम जो सनफ माना गया है वो दास्तान को माना गया है, और उसके बाद जो मंजरे आम पर आई वो है नॉवल। वक्त की ज़रूरत और ज़माने के हालात के सबब नॉवल वजूद पज़ीर हुआ। यानी वक्त की ज़रूरत, पहले इंसान के पास काफ़ी फुर्सत थी, तो उन फुर्सत के लम्हों को गुजारने के लिए वो किस्से कहानियों का सहारा लिया करता था। उसमें सबसे पहले दास्तान थी और उसके बाद वो नॉवलों का सहारा लेने लगा। नॉवल में दास्तान के बरअक्स, बरअक्स का मतलब उल्टे, नॉवल में दास्तान के बरअक्स यानी दास्तान के बिल्कुल उलट जिंदगी की हकीकतों को बेनकाब किया गया है। हमने यहाँ पर दास्तान जो सनफ पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि दास्तान में जो किस्से और कहानी लिए जाते हैं वो ख्याली दुनिया के किस्से होते हैं, जैसे जिन, भूत, शहजादा, शहजादी की कहानियाँ। लेकिन यहाँ नॉवल में हकीकी ज़िंदगी के किस्सों को ही शामिल किया जाता है। नॉवल और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। नॉवल सियासी, सामाजी, इखलाकी, इस्लाही, तारीखी सभी मौजूदात पर लिखे गए। यानी यहाँ पर नॉवल और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ बताया गया है। नॉवल ये नहीं है कि किसी एक मौजूदात पर ही लिखा जाता हो। यहाँ ये सियासी यानी यानी राजनीतिक, सामाजिक, इखलाकी, इस्लाही, तारीखी यानी इस्लाह देने वाले, तारीखी, ऐतिहासिक सभी मौजूदात पर लिखे गए हैं। जहाँ तक फ़न और तकनीक का ताल्लुक है, नॉवल में कहानी, प्लाट, किरदार, मुकालमे, पस मंजर, जमा में मक्का, असलूब, नुक्ता नज़र ज़रूरी अज्जाए हैं जो कम बेबी सभी नॉवलों में मिलते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है सभी नॉवलों में ये अज्जा मिले, लेकिन ज़्यादातर नॉवलों में ये सभी अज्जा मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले जो अहम जज माना गया है वो है कहानी। नॉवल का बुनियादी अंसर है, यानी कहानी क्या है? नॉवल का बुनियादी अंसर यानी एक प्रमुख अंग है। नॉवल में कहानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यानी जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए सबसे अहम रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही नॉवल की कामयाबी उसकी कहानी में छुपी रहती है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी मालूम पड़ती है। हर अफसानवी सनफ, चाहे वो दास्तान हो, नॉवल हो, मुख्तसर अफसाना हो या ड्रामा, सभी में कहानी उसका अहम हिस्सा होती है। यानी ये नहीं है कि बस नॉवल में ही कहानी ज़रूरी होती है, कहानी अहम होती है। कहानी का जो जज है वो नॉवल की तरह दूसरी अहम जो असनाफ है नसर भाग की, चाहे वो दास्तान हो, नॉवल हो, मुख्तसर अफसाना हो या ड्रामा, सभी में कहानी अहम होती है और कहानी के ऊपर ही उनकी कामयाबी छुपी रहती है। नॉवल में हकीकी ज़िंदगी की कहानी पेश की जाती है। कदीम ज़माने से ही इंसान किस्से कहानियों में दिलचस्पी लेता रहा है, लेकिन वक्त के साथ उसके रूप बदलते रहे। हर कहानी में इब्तिदा होती है, दरमियानी किस्सा नुक्ताए उरूज होता है, फिर कहानी अंजाम पर ख़त्म होती है। कहानी में दिलचस्पी का बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी है। यानी
हर कहानी में इब्तिदा होती है, यानी शुरुआत होती है हर कहानी की, उसका दरमियानी हिस्सा नुक्ता उरूज होता है, यानी दरमियानी हिस्से में हमें ये मालूम होता है कि आखिर ये जो नॉवल है क्यों लिखा गया है। उसके बाद वो कहानी अपने अंजाम पर ख़त्म होती है, यानी उसका अंजाम क्या होता है। कहानी में दिलचस्पी का बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूरी होना चाहिए कि जिस कहानी को नॉवल में पेश किया गया है उसमें कारी यानी सुनने वाला या पढ़ने वाला दिलचस्पी ज़रूर ले। इसके बाद दूसरा अहम जो जज बताया गया है वो है प्लाट। इसका प्लाट दूसरा जज बताया गया है। प्लाट मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें दास्तान में भी अहम जज है प्लाट। तो प्लाट किसको कहा जाता है? किसी किस्से या कहानी को तरतीब के साथ पेश करना प्लाट कहलाता है। तो प्लाट में बाकियात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है, जिसमें रवत का होना जरूरी है। रवत यानी क्या होता है? निरंतरता, यानी कोई किस्से कहानी लगातार निरंतर रूप से चलती रहे। कहानी में मुख्तलिफ वाकियात होते हैं, यानी अलग अलग किस्से होते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर जो असर पड़ता है उसको नुमाया किया जाता है। प्लाट दो तरह के होते हैं, एक मरबूत प्लाट, दूसरा गैर मरबूत प्लाट। मरबूत प्लाट में गैर अहम वाकियात और किरदारों को बड़े पैमाने पर पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़रूरी और अहम वाकियात व किरदारों को फोकियत दी जाती है। गैर मरबूत प्लाट वो होते हैं जिसमें बेशुमार वाकियात व किरदार बेतरतीब अंदाज में मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पर मतलब समझो कि दो तरह के प्लाट बताए गए हैं, एक होता है मरबूत प्लाट और दूसरा कौन सा होता है? गैर मरबूत प्लाट। तो मरबूत प्लाट में जो अहम वाकियात और किरदार होते हैं उनको बड़े पैमाने पर पेश नहीं किया जाता, यानी मुख्य जो किरदार होते हैं, जो मुख्य किस्से कहानी होती है, बस उन्हीं को पेश किया जाता है। इसमें फालतू किस्से कहानी या फालतू किरदारों का कोई काम नहीं होता है। जबकि गैर मरबूत प्लाट में कई किरदारों की भीड़ और बेशुमार वाकियात होते हैं और उन्हें बेतरतीब अंदाज में पेश किया जाता है, यानी कोई तरतीब नहीं होती उन किस्से कहानियों में, कब कौन किस्सा कहां पर जुड़ जाए पता नहीं चलता। तो ये गैर मरबूत प्लाट है। इसके बाद है तीसरा अहम जज है किरदार। तो नॉवल में हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते चलते फिरते किरदार होते हैं, यानी नॉवल में जो किस्से कहानी ली जाती है वो भी हकीकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ जो किरदार होंगे नॉवल में, हकीकी ज़िंदगी के किस्से कहानी को पेश किया जाता है, तो उसके किरदार भी हकीकी ज़िंदगी के जीते जागते चलते फिरते मालूम होते हैं। यानी जब हम उस किस्से कहानी को पढ़ते हैं, उनकी किरदार को समझते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे आसपास के या हम में से ही हो। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं, जैसे नॉवल में किसी किसान की कहानी है तो उसकी जो मजबूरियां होती हैं, जो उसकी परेशानियां होती हैं, जिस तरीके से वो एक सीधा साधा इंसान होता है, तो उसे देख कर ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे आमने सामने या हमारे आसपास ही मौजूद हो। किरदार ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नॉवल की किरदारों की खूबी इस बात पर मुनहसर है कि वो ऐसे जीते जागते हो कि हम उन्हें हकीकी इंसान समझ लें। यानी नॉवल में जो किरदार लिए जाएं, सबसे पहले उनकी खूबियाँ होनी चाहिए कि वो हकीकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी हमें ऐसे लगे कि वो हमारे ही किरदार हो, हमारा ही हिस्सा हो। और ऐसे जीते जागते हमें मालूम होने चाहिए कि हकीकी इंसान समझ ले कि हम उन्हें किरदार नहीं बल्कि हम में से ही कोई इंसान समझे। जैसे नज़ीर अहमद का नॉवल मरातुल उरूस में असगरी व अकबरी का किरदार, यानी मरातुल उरूस में एक समाज जो मुस्लिम समाज है उसमें असगरी व अकबरी का किरदार जो बताया गया है। तौबतुल नसूह में मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार, मिर्जा हादी रुस्वा के नॉवल उमराव जान अदा में उमराव जान अदा का किरदार इतने हकीकी मालूम होते हैं कि उन पर फर्जी ख्याली होने का गुमान तक नहीं होता। यानी जब हम इन नॉवलों में इन किरदारों का जायज़ा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये किरदार हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद हो। किरदार दो तरह के होते हैं, यक रखी दूसरा पहलूदार। यानी जिस तरीके से प्लाट दो तरह के होते हैं वैसे ही किरदार भी दो तरह के होते हैं, यक रखी
और दूसरे क्या होते हैं, पहलूदार यानी राउंड किरदार, जो कहानी को मुकम्मल बनाते हैं। इसके बाद नंबर 4 मुकालमे, नॉवल का अहम जज माना गया है ये भी। किरदारों के दरमियान आपसी गुफ्तगू, मुकालमे का मतलब क्या होता है, आपसी बातचीत या डायलॉग। तो किरदारों के दरमियान आपसी गुफ्तगू और बातचीत को मुकालमे कहते हैं। मुकालमा फितरी और किरदारों के हसब मुरातिब होनी चाहिए, यानी जिस तरीके का किरदार हो वैसे ही उनके डायलॉग होने चाहिए, वैसे ही उनकी बातचीत होनी चाहिए। किरदार जिस हैसियत और तबके से ताल्लुक़ रखता है उसके मुताबिक मुकालमे लिखे जाते हैं। यानी हम जो नॉवल की कहानी होती है उसमें किरदार किस तरह का है, वो अमीर है या गरीब है, कोई बादशाह है या ग़ुलाम है, तो उसी के मुताबिक उसके डायलॉग लिखे जाते हैं। जैसे बादशाह के मुकालमों से उसके शाही मर्तबा और ग़ुलाम के मुकालमों से आजीजी व इनकिसारी जाहिर होनी चाहिए। यानी किसी बादशाह के मुकालमे हैं तो उनसे उनका शाही मर्तबा बिल्कुल पेश होना चाहिए। यानी वो इस तरीके से उनके जो भी डायलॉग हो वो एक बादशाह की तरह होने चाहिए, जिस तरीके से एक बादशाह बोलता है, और ग़ुलाम जिस तरीके से आजीजी करता है, जिस तरीके से ग़ुलामी करता है, तो उसी तरीके के उसके डायलॉग होने चाहिए। आला मुतवस्त और अदना सभी, आला मुतवस्त यानी जो ऊंचे घराने होते हैं और छोटे घराने होते हैं, तो सभी तबके के किरदार कहानी का हिस्सा होते हैं। नॉवल निगार को अच्छे मुकालमे लिखने के लिए ज़ुबान पे बयान पर कुदरत होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ नॉवल निगार को सबसे पहले ये बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छा मुकालमे लिख रहे हैं तो उसके लिए ज़ुबान पे बयान भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी वे साफ होनी चाहिए। ज़ुबान पे बयान पर अगर उसे कुदरत हासिल नहीं होगी तो उसके जो मुकालमे वो भी अच्छे नहीं माने जाएंगे, उसकी कहानी भी बिल्कुल फैल मानी जाएगी। इसके बाद 5वां अहम जज है जमावे मका। नॉवल में कहानी को समझने के लिए उसके पस मंजर माहौल और जमावे मका का अहम रोल होता है। यानी जिस जमाने की कहानी को पेश किया गया है, जिस जगह की कहानी को पेश किया गया है, तो उसका भी अहम रोल नॉवल में होता है। किरदार किस माहौल का परवरदा है, यानी किस माहौल में वो किरदार रहा है, किस्से में पेश आने वाले वाक्यात किस मुकाम और जमाने से ताल्लुक़ रखते हैं। गरज नॉवल न सिर्फ अपने दौर की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि उस दौर की तहजीब व मुआसरत इखलाकी अकदार की झलक भी उनमें देखी जा सकती है। यानी नॉवल ना सिर्फ अपने दौर की नुमाइंदगी करते हैं, यानी जिस दौर की लिखे गए हैं केवल उस दौर को ही नहीं बताते बल्कि उस दौर की जो तहजीब होती है, जो संस्कृति होती है, जो सामाजिक स्थिति होती है, जो इखलाकी अकदार होती है, उसकी झलक भी उसमें देखी जा सकती है। चूँकि नॉवल हकीकत पर मबनी होते हैं इसलिए उनका माहौल, पस मंजर और जमा में मका भी उतने ही हकीकी होते हैं। यानी नॉवल क्या है, हकीकत पर आधारित है, हकीकत पर मुबनी है, हकीकत पर टिका रहता है, इसलिए उसका माहौल भी कैसा होता है, माहौल, पस मंजर, जमा मका भी उतने ही हकीकी मालूम होते हैं। इसके बाद जो छठा नंबर 6 जो अहम जज नॉवल का माना गया है वो है असलूब। असलूब का मतलब होता है बयान करने का तरीका। तो नॉवल में असलूब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी एक किस्से या कहानी को किस तरीके से बयान किया जाए, उसकी बयान करने का तरीका क्या हो, ये उसकी सबसे बड़ी अहमियत होती है। इस पर नॉवल की कामयाबी का इन्हिसार होता है। यानी नॉवल की कामयाबी किस पर टिकी रहती है, असलूब पर भी है। मुसन्निफ़ का असलूब बयान ही उसकी पहचान बनता है, चाहे कोई किस्से कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस किस्से कहानी को बयान करने का तरीका अच्छा नहीं होगा वो कहानी सही नहीं मानी जा सकती, यानी वो कहानी कामयाब नहीं हो सकती है। हर सनफ अदब का मसलूफ मुनफर्द होता है। नॉवल में वाकियात की तरतीब हो या किरदारों का इर्तिका या किस्से में दिलचस्पी का अंसर, सब नॉवल निगार के बेहतरीन असलूब निगारिस का नतीजा होते हैं। इसके बाद इसका अगला जज है नुक्ताए नज़र, यानी क्या मकसद है।
नॉवल लिखने का, नॉवल निगार का क्या मकसद है? नॉवल निगार जिंदगी की जिस पहलू को किरदारों के जरिए कारी तक पहुंचाता है उसमें एक नुक्ता नज़र वाज़े तौर पर सामने आ जाता है। यानी जब हम नॉवल की उस किस्से कहानी को देखते हैं तो उसमें एक मकसद हमें नज़र आता है। जैसे नज़ीर अहमद की नॉवल में उनका इस्लाही नुक्ता नज़र साफ नज़र आता है। यानी जितने भी नज़ीर अहमद ने नॉवल लिखे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों को सलाह देने का, समाज को सही राह दिखाने का नुक्ता नज़र यानी मकसद साफ नज़र आता है। उमरा जान अदा के किस्से को पढ़कर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान बज़ाते खुद राह रास्त पर होता है, लेकिन हालात बेवाकियात भी उसे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। इसके बाद इसका अगला जज है नॉवल का इर्तिका। उर्दू में नॉवल निगारी का आगाज नज़ीर अहमद से माना जाता है। उनका नॉवल मरातुल उरूस जो कि 1869 ईस्वी में लिखा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नॉवल कब और कौन सा है, कब लिखा गया और क्या नाम है। उर्दू का पहला नॉवल तस्लीम किया गया, इसको दूसरा इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि उर्दू का पहला नॉवल कौन सा माना गया है। नज़ीर अहमद ने मुतवस्त तबके के मुस्लिम घरानों की मासी इखलाकी ज़िंदगी पर गौर किया और इसका इस्लाही का बेड़ा उठाया। मरातुल उरूस, बनातुल नास, तौबातुल नसूह, फसानाए मुब्तिला, अबनुल वक्त, अयामी रुवाए सादिका उनके मशहूर नॉवल माने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के अहम जो नॉवल हैं वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। पंडित रतन नाथ सरसार का मशहूर नॉवल फसानाए आज़ाद है। डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद दूसरे नॉवल निगार जो मशहूर रहे हैं उनका नाम है पंडित रतन नाथ सरसार। इनका मशहूर नॉवल है फसानाए आज़ाद, जिसमें लखनवी मुआसरत की अक्कासी की गई है। लखनवी तहजीब और मुआसरत यानी संस्कृत, लखनवी संस्कृति और सामाजिक स्थिति को बयान किया गया है। जामे सरसार, शहर शेर कहसार, कामिनी, कलम धड़म उनके नुमाइंदा नॉवल हैं। तो इनके नॉवलों के नाम भी याद करें, ये आगे कॉम्पिटिशन में भी आपके काम आते हैं। अब्दुल हलीम सरर ने कामयाब तारीखी नॉवल लिखे हैं। फिरदौस बरी, मंसूर मोहिना, मुल्क वर्जीना उनके मशहूर नॉवल हैं। मिर्जा हादी रुसवा का नाम उनके साहूकार नॉवल उमराव जान अदा की वजह से अदबी हलकों में मशहूर हुआ। ये एक बेहतरीन नॉवल है जिसमें नफ्सियाती तजजिया भी मौजूद है और लखनवी तहजीब भी। आपने जात शरीफ, शरीफ ज़्यादा, अख्तरी बेगम, अफसाए राज नॉवल भी लिखे। प्रेमचंद उर्दू के मशहूर और कामयाब नॉवल निगार माने जाते हैं। उन्होंने समाजी मसाइल, देही जिंदगी जिंदगी यानी देहाती ज़िंदगी और हकीकत निगारी को नॉवल में जगह दी। उन्होंने बहुत से नॉवल लिखे, उनमें जलवाए एसार, बाजार हुस्न, गोसाए आफियत, गवन, निर्मला, पर्दाए मिजाज, चौगाने हस्ती, बेबा, मैदान अमल, गोदान शामिल है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 ईस्वी में हुआ, जिसने अदब को ज़िंदगी से करीब तर किया, यानी उर्दू अदब को ज़िंदगी के करीब ला दिया। उर्दू नॉवल को बहज नए रुझानात से रोशनास कराया, यानी उस वक्त की जो मुख्य समस्याएं थी, जैसे कि मज़दूरों की जो हालत ख़राब थी उनके बारे में, किसानों की बदहाली के बारे में यहाँ बयान कराया गया। इस दौर में जो नॉवल लिखे गए उनमें सज्जाद जहीर का लंदन की एक रात, काजी अब्दुल गफ्फार का लैला के खतूत, असमत चुगताई का टेढ़ी लकीर, करातुल ऐन हैदर का आग का दरिया, कृष्णचंद का शिकस्त और अजीज अहमद का गुरेज काबिले जिक्र है। तो ये मशहूर नॉवल कब के हैं? तरक्की पसंद तहरीक के, जो कि 1936 में शुरू हुई थी। कृष्णचंद ने अपने नॉवलों में इस तरह की ख्यालात को पेश किया। वहीं असमत चुगताई ने मुतवस्त घरानों के लड़के लड़कियों की जिंसी मसाइल को नॉवलों का मौजू बनाया। करातुल ऐन हैदर का मुतायला बहुत वसी था, उन्होंने नई तकनीक सऊर की रूह से मुतारिफ़ कराया और उसे अपनी नॉवलों में बखूफ़ी बढ़ता। आग का दरिया उनका मशहूर नॉवल है। तकसीम मुल्क के बाद उन हालात का अक्स इस अहद की तख्लीकात में देखा जा सकता है। इस दौर में अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, खदीजा मस्तूर का आंगन, हयातुल अंसारी का लहू के फूल, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मेली सी, बलबंत सिंह का मामूली लड़की, काजी अब्दुल सत्तार का सब गुजेदा, महेंद्र नाथ का अरमानों की सेज, जमीला हाशमी का तलाश तलाशे बहारा,
जिलानी बानो का ऐवान गजल, अनवर सज्जाद का खुशियों का बाग, इंतजार हुसैन का बस्ती, सलीम अख्तर का जब्त की दीवार जैसे नोबल मंजरे आम पर आए। तो इस तरीके से हमारी नोबल की तारीफ और उसकी मुख्तसर तारीख का हमने जायजा लिया। अगली वीडियो में हम जो मशहूर नोबल निगार हैं नोबल सनफ के, उनके सवाइने हयात और अदबी कारनामों के बारे में जानकारी लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें कोई परेशानी आपको नज़र आती है, कोई समझ में कोई बात नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।